आजीवन कारावास की सजा काट रहे राजेश दुबे को उसकी पत्नी द्वारा हाईकोर्ट में पेश तलाकनामे पर दोनों की पक्षों की सहमति के बाद मंजूरी दे दी गई है। राजेश और उसकी पत्नी संध्या द्विवेदी 10 जनवरी 2010 से ही अलग अलग रह रहे हैं। दोनों की शादी 19 जून 2007 को हुई थी, लेकिन राजेश के किसी अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध होने के कारण पति पत्नी में विवाद होने लगा था। राजेश की प्रेमिका माया चौहान उर्फ शारदा बाथम राजेश का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। राजेश ने उससे बातचीत करने के लिए इंदरगंज थाने के ठीक सामने स्थित रामकृष्ण धर्मशाला में 23 जून 2012 को बुलाया था। दोनों पति पत्नी की तरह धर्मशाला में ठहरे। रात में राजेश ने माया उर्फ शारदा का मर्डर करने के बाद वहां से फरार हो गया। बाद में सीसीटीवी फुटेज और गवाह सबूत के आधार पर उसकी पहचान हुई। इसलिए ये इसको मुकदमा लड़ने का या इसको वो करने का अधिकार नहीं है, और वो हमारा तलाक का मुकदमा जो है वो खारिज कर दिया। इस आधार पर पति के सिविल राइट जो हैं वो क्रिमिनल कोर्ट्स ने ख़त्म कर दिए हैं। इसको सिविल राइट जीने का अधिकार नहीं है। उस ऑर्डर को लेकर के हमने हाईकोर्ट में पटिशन लगाई कि सिविल राइट्स उसका ख़त्म हुआ है, हमारा डाइवोर्स का राइट तो सर्वाइव करता, हमें क्यों आपने पनिश किया। तो उस पर से कोर्ट ने नोटिस जारी किया, पति को बुलवाया, पति जेल में था। पति को पूछा कि भाई तुम जेल में बंद हो, अब तुम इस पत्नी को कैसे रख सकते हो। तो उसने कहा कि मैं जेल में बंद हूँ, अगर ये तलाक लेना चाहे तो ले लें, क्योंकि मैं जेल में बंद हूँ, मेरा अभी छूटने का कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मैं छूट पाऊँगा कि नहीं छूट पाऊँगा। तो कोर्ट ने कहा कि इस अपील को मंजूर करके हम दोबारा केस को रिमांड करें, बेटर ये है कि आप दोनों लोग जो है अपनी सहमति से एक आवेदन पत्र दे दो, वही हम लोग जो है सहमति से अपना तलाक चाहते हैं और उसके आधार पर हम आदेश पारित कर देंगे। और उसके बाद कोर्ट ने एक वकील साहब को पति की ओर से एमिकस क्यूरी भी नियुक्त कर दिया, जो उनको समझाए कि इसके परिणाम क्या होते हैं। अल्टीमेटली दोनों पति पत्नी ने जो है अपना एक तलाक का सहमति के तलाक का आवेदन 13B का लगाया कोर्ट में, और कोर्ट ने उसे विचार करने के बाद ये पाया कि चूँकि काफ़ी लंबे समय से दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं और ये इसको आजीवन कारावास है, इसलिए इनकी पुनर्मिलन की पति पत्नी ग्रुप में रहने की संभावना बिल्कुल कम हो गई है, ख़त्म ही हो गई है। तो उन्होंने कहा ये इनके इंटरेस्ट में है कि इसको तलाक दे करके इस विवाह को ख़त्म कर दिया जाए। तो उस पर से कोर्ट ने जो है वो इनको डाइवोर्स की डिग्री दी है।